नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है ये, तो आप वीडियो लास्ट तक देखें, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल का जो जीवन है हमारा वो इतना आसान नहीं रह गया है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे। वो क्या है, सबसे पहले तो हमने अपनी फिटनेस का ध्यान देना होगा, जिसमें हम योग व्यायाम कर सकते हैं और भाग दौड़ करके एक अच्छा फिटनेस हम ले सकते हैं। उसके साथ ही जो हमारा खान पान है उसको भी हमें अच्छा करना होगा। खान पान अच्छा करने के लिए हमें अच्छी सब्जियां, अच्छा भोजन लेना होगा। और अच्छा भोजन आपको पता ही है कि आजकल मार्केट में तो कहीं ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। आज का ये वीडियो हमारा है कि जो हम सब्जियों के रूप में जहर खा रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस केमिकल के प्रयोग से तरह तरह की बीमारियां आजकल हो रही हैं। तो इसी के बचाव के लिए एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। हम अपनी उगाई हुई सब्जियों को खाएँगे तो उनमें टेस्ट भी रहता है, उनकी जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो उसका हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि क्यों ना हम अपनी टेरेस पर, अपनी छत पर ही ये सारी सब्जियां उगानी शुरू कर दें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि एक पॉट चाहिए होता है, या फिर ग्रो बैग आप ले सकते हैं। उसके लिए ग्रो बैग में भी उग जाएंगी। ग्रो बैग थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो उनको काफ़ी मात्रा में आपको रखना होगा। हमने इसका एक सोल्यूशन ढूँढा है, और सोल्यूशन क्या है कि हमने जो प्लास्टिक के ड्रम होते हैं खाली 200 लीटर का, वो लिया है। स्क्रैप से आपको वो इजीली मिल जाएगा, जो स्क्रैप डीलर होते हैं, कबाड़ी होते हैं, उनके यहाँ से 500-600 रुपये में आप खरीद सकते हैं उसको। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये खाली प्लास्टिक का ड्रम है जिसको मैंने लिया है, और इसको बीचों बीच सेंटर से आप किसी भी कटिंग मशीन से आप इसको काट सकते हैं। इसके लिए कटर आता है स्पेशली, वो काटने के लिए, उससे ही आसानी से कट जाएगा। तो इसको काटने के बाद आप इसमें छोटे छोटे होल भी कर लेंगे, जिससे कि ड्रेनेज जो है वो उसके लिए काम आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये काटने के बाद हमने स्टैंड बनवाए हैं, और ये स्टैंड है उसी ड्रम के लिए, ताकि जो अब हमारी जो छत है उस पर ये ड्रम आसानी से टिक जाएँ, और उसमें आसानी से हम अपना जो सब्जियाँ उगाना चाहते हैं वो आसानी से उगा सकते हैं। इसकी जो डेप्थ है वो भी लगभग 1.5 फीट के आसपास है इसकी गहराई, तो इसमें अच्छा खासा स्पेस है। और ये बीच में हमने सेंटर में इसको एक पाया दिया है, जिससे कि वज़न जो है वो बराबर इक्वल भागों में रहे छत पर, ऐसा नहीं है कि इधर उधर ज़्यादा रहे। और जो होल देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये इसी होल की मैं बात कर रहा हूँ। इस होल से क्या होगा कि जो आप पानी डालेंगे इसमें, अगर ओवर वाटर हो जाता है या फिर बारिश आ जाती है, वो तो नीचे से ड्रेनेज हो जाएगा। तो ये पूरा स्टैंड बन के तैयार हो गया है, और इस पर नीचे अब ये टिकलियाँ भी देख रहे होंगे, ये लगाई हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये इजीली छत पे टिक सकेगा। और इस पर अब हमने क्या है, पेंट का काम शुरू किया है, क्योंकि लोहा जो है वो जंग ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस पर प्राइमर हम लगा रहे हैं। प्राइमर लगाने के बाद ये देखिए, अच्छी तरह से प्राइमर इस पर किया जा रहा है, और इससे क्या है कि जंग इस पर नहीं आएगा और इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। अब प्राइमर के बाद की बात आती है इस पर, इसको हमने ऊपर अपनी छत पर अब ले आए हैं इसको, और ये देखिए मिट्टी आप देख रहे होंगे, नीचे से ऊपर मिट्टी चढ़ाई हमने, ये खेत की मिट्टी मंगवाई है हमने, और मिट्टी जो है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हमने भी थोड़ी अच्छी मिट्टी मंगवाई है, देखने से लग रही है। और ये वो ड्रम है प्लास्टिक का, ये बीच से सेंटर से हमने काट लिया था। मिट्टी की बात कर रहा था मैं, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, ज़्यादा सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और सख्त मिट्टी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें क्या है, उसमें अच्छी तरह से जो रूट्स हैं वो डेवलप नहीं होंगी पेड़ पौधों की, तो उससे उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये पेंट वेंट करने के बाद हमने इनको स्टैंड पर यहाँ रख लिया है, और मैं जो रखना हूँ अभी, जो मेरा बीम है उसके ऊपर मैं रख रहा हूँ। और बीम के ऊपर रखने के बाद इनके जो ये
हमारे दोनों ड्रम को अच्छी तरह से इस पर टिका देना है। वैसे तो ये बिल्कुल फिट आएगा इसमें, इसी के साइज़ का हमने बनवाया है और ये बिल्कुल फिट है। देखिए इसको प्रेस करके बिल्कुल फिट इसमें डाल देंगे। अब हमने मिट्टी अपनी बनाई है, मिट्टी में क्या हमने गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद लगभग हमने 30% गोबर की खाद ली है गाय के गोबर की, और ये लगभग 2 साल पुरानी खाद है। और इसमें मिट्टी में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको फावड़े की सहायता से मिक्स कर लेना है। अब इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, फावड़े से भी कर सकते हैं, और जिसमें अलग तरह से कबाड़ वबाड़ होते हैं उनको बाहर निकाल देना है, क्योंकि बाद में परेशानी ज़्यादा इनसे होती है, पन्नी है कबाड़ है। अब हमने इसको जो अपना हमारा ये ड्रम है इसको रखने के बाद इसमें ना एक प्लास्टिक का या तो कोई जालीदार कपड़ा बिछा दीजिए, या फिर कुछ अगर कुछ भी ना हो तो घर में आपके जो पुरानी वो होती हैं चुन्नियाँ वगैरह दुपट्टे वगैरह उनको आप काट के, मैंने भी ऐसे किया है कि इन बीच से काट के इसमें रख दिया है ताकि जो मिट्टी है वो जो होल है उनसे बाहर ना आए, केवल पानी पानी बाहर आए। तो इससे क्या है मिट्टी बाहर नहीं आएगी, पानी अगर इसमें रुकेगा तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बारीक होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि मिट्टी को अपने इसमें भरना शुरू कर देते हैं। ये देखिए ऐसे करके हम मिट्टी भर लेंगे, और इसमें जितना कबाड़ वगैरह है कुछ या कोई दूसरे पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो अलग कर लेंगे अभी साथ ही, क्योंकि बाद में इनसे काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से ये हमारा जो पूरी एक तरह से बोलिए ये क्यारी बन गई है, जैसे खेत में क्यारी होती है उसी तरह से एक क्यारी बन गई है। और ये क्यारी आप वैसे नॉर्मली अगर ग्रो बैग लेंगे तो उससे भी आप बना सकते हैं। इस तरह के ग्रो बैग आजकल मार्केट में आते हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं, आप 2 फीट का ले लीजिए, 4 फीट का ले लीजिए, जिस तरह का भी लेना हो। बस क्या है कि ग्रो बैग हमने उसके लिए भी स्टैंड बनवाना होता है, इसके लिए भी स्टैंड बनवाना होता है, तो हमने सोचा कि क्योंकि ये आसपास इजीली मिल जाते हैं तो इनसे हम आसानी से ख़रीदा और ये यहाँ पर लगा लिया। अभी देखिए लगकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हमने अभी केवल 2 ड्रम लिए थे, 2 ड्रम के 4 पीस हो गए हैं, तो इतना ही हमने अभी किया है और आगे फिर करेंगे थोड़ा जैसे बढ़ता रहेगा ये। तो अभी हमने शुरुआत की है, तो ये शुरुआत ये पहल हमने इसलिए की है कि जो हम आगे सब्जियां खाएंगे वो कम से कम उसमें जहर नहीं होगा, केमिकल फ्री होंगी वो, जो केमिकल का जहर हम खा रहे हैं वो उससे हमें थोड़ी बहुत ही तो निजात मिलेगी। यही शुरुआत हमने इसलिए अब की है और मुझे उम्मीद है कि ये शुरुआत आप सभी को करनी चाहिए। अगर आपके पास खेत भी नहीं है तब भी आप ये शुरुआत कर सकते हैं अपनी छत पर, चाहे छोटी छत हो चाहे बड़ी हो, आप थोड़े से शुरुआत करिए तो आपको ये धीरे धीरे करके आप करने लगेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, और जो आपका जीवन है वो और बेहतर बनेगा। इससे 2 फायदे होते हैं, मानसिक तौर पर भी आप अच्छे होते हैं और शारीरिक तौर पर भी। तो अब इनके जो बात करें, अगर ये जो हमारी क्यारी बनी है इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। अभी जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है तो सबसे अच्छा है कि आप सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं, पालक है, मूली है, शलजम है, और काफ़ी तरह की सब्जियां हैं, हरा धनिया हो गया, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, गाजर हैं, चुकंदर हैं और सरसों है, वो सारी चीज़ें, गोभी हैं, वो सब आप इनमें लगा सकते हैं। और 4-5 लोगों की फैमिली के लिए ये 4-5 अगर आप 2 ड्रम लेंगे उसके 4 पीस हो जाएंगे आसानी से। 4-5 लोगों की फैमिली का इसमें जो सब्जियां हैं वो आप उगा सकते हैं। 10 से 15 प्रकार की सब्जियां हम इनमें उगाने जा रहे हैं। आगे भी आपको वीडियो की जो अपडेट है, जो हमने क्या क्या लगाया है सब कुछ है, वो आपको ऐसे दिखाते रहेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम बताएंगे कि किस किस तरह से कौन कौन सी सब्जियाँ हमने लगानी है सर्दियों के लिए, और उनकी सारी तैयारी हमने कर ली है। तो उम्मीद है कि मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस तरह से ही आप अपने आप को
स्वस्थ रख सकते हैं। एक प्रयास है ये छोटा सा, तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।